भारत के सबसे अमीर उद्योगपति की सूची में आने वाले मुकेश अंबानी को आज हिंदुस्तान का हर एक इंसान जानता है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसे उनका नाम न पता हो, लेकिन नाम से अलग रिलायंस जियो के मालिक मुकेश अंबानी की धन संपत्ति के बारे में क्या कहना। हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा होगा जो उनकी तरह अमीर न बनना चाहता हो, और हो भी क्यों ना, आखिर उन्हें हिंदुस्तान का सबसे अमीर व्यक्ति जो माना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कितने पैसे का ये करते क्या है? अगर नहीं तो चलिए आज जानते हैं कि ये अंबानी परिवार इतने पैसों का क्या करता है और कहां कहां पैसा उड़ाते हैं। दोस्तों, एक इंटरव्यू में जब मुकेश अंबानी ने उनकी पसंदीदा डिश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही सादगी से इडली सांभर जवाब में कहा था। अब आप सोच रहे होंगे इतनी सादगी पसंद वाला आदमी शायद ही कुछ खर्च करता होगा, लेकिन आपको बता दें कि मुकेश अंबानी खुद पर नहीं बल्कि अपनी फैमिली पर दौलत उड़ाने का कोई भी मौका गंवाते नहीं है। फिर चाहे वो उनकी पत्नी नीता अंबानी की 220 करोड़ की बर्थडे पार्टी हो या फिर बेटी ईशा की देश की सबसे लाविश वेडिंग, अपनी पार्टी पर अंबानी पैसा पाने की तरह बहा देते हैं। दोस्तों, नीता अंबानी की बर्थडे पार्टी का तो पता ही होगा आपको। जोधपुर के उम्मीद भवन में सितारों की चकाचौंध के बीच मनाए गए इस 2 दिन के बर्थडे पार्टी में देश विदेश की नामी हस्तियों ने हिस्सा लिया था। मुकेश अंबानी ने न सिर्फ एक पार्टी के लिए 32 चार्टर प्लेन बुक कराए थे जो उनके 300 मेहमानों को जोधपुर लेके गए। इसके अलावा पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से 400 से अधिक एस क्लास मर्सिडीज की गाड़ियां इन गेस्ट के लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए बुक की गई थी। दोस्तों, इस पार्टी की डेकोरेशन खासकर थाईलैंड से मंगवाए गए फूलों से की गई थी, तो दुनिया के सबसे महंगे फूलों में से एक होते हैं। दोस्तों, इस बर्थडे पार्टी में दुनिया की हर वैरायटी का महंगे से महंगा खाना परोसा गया था, और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में आज तक की सबसे महंगी बर्थडे पार्टी है। चलिए अब बात करते हैं नीता अंबानी के लग्जरियस लाइफस्टाइल के बारे में। दोस्तों, उनके पास दुनिया के सबसे लग्जरियस ब्रांड्स के कपड़े और बैग्स हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। इसके अलावा उनके पास एक साड़ी भी है जो 40 लाख रुपए कीमत की है। दोस्तों, एक बार जो बैग ये इस्तेमाल करते हैं वो दुनिया के सबसे महंगे बैग्स में से एक होते हैं जिन पर सोने और हीरे लगे होते हैं। इनके ऐसे ही एक खास बैग की कीमत 2.6 करोड़ रुपए है। दोस्तों, नीता अंबानी के पास A31 लग्जरी प्राइवेट जेट भी है जो उनके पति ने उनके एक जन्मदिन पर गिफ्ट किया था। आपको बता दें, इस प्लेन की कीमत 230 करोड़ रुपए है। दोस्तों, अब अगर मुकेश अंबानी के घर की बात करें तो वो भारत के सबसे महंगे और पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर महंगे घर में रहते हैं। उनके घर का नाम एंटीलिया है जो बाहर से देखने में जितना शानदार है उतना ही वो अंदर से ब्यूटीफुल भी है। 27 मंजिल के इस आलीशान घर की अनुमानित लागत 11,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। दोस्तों, ये घर कोई आम घर नहीं बल्कि इसमें एक से बढ़कर एक बेहतरीन सुविधाएं हैं। आपको बता दें, इस घर में 168 गाड़ियां हैं जिनके लिए 7 मंजिला पार्किंग बनी हुई है। इतना ही नहीं, इस एंटीलिया में और भी कई अलग अलग सुविधाएं मौजूद हैं जिसमें थिएटर, जिम जैसी सुविधाएं शामिल हैं। दोस्तों, इतने बड़े घर में लगभग 600 कर्मचारी काम करते हैं, और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, मुकेश अंबानी अपने घर में काम करने वाले कर्मचारियों को एक नौकर नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।